हे एवरीवन, आ गए आप लोग, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपना थिक काजल यानी कि मोटा काजल किस तरीके से लगाती हूँ, और वो बिल्कुल स्मज प्रूफ रहता है कम से कम 8 से 9 घंटे के लिए, इवन ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। तो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाए, और आप लोगों ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि मैं थिक काजल लगाया करूँ क्योंकि मुझ पर सूट करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो लाल रंग का बटन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिए, उसके साथ जो बेल बटन है उसको भी 2 बार क्लिक कर दीजिए। और अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका फिर से स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मे का आइकॉनिक काजल, और इसके लिए हमें चाहिए ब्लू हेवन का पेन आईलाइनर। और इसके अलावा अगर आपके पास पेन आईलाइनर नहीं है या स्केच आईलाइनर नहीं है तो आप कोई भी लिक्विड आईलाइनर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से काजल अप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले जिस तरीके से हम लोअर लैश लाइन पर काजल अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई करेंगे। अगर आपको नहीं मालूम तो इस पे मैंने बिगनर सीरीज़ की थी, उसका लिंक भी मैं यही कहीं आई बटन पे डाल दूंगी या एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, तो आप वहाँ जाकर देखिएगा। इस तरीके से मैं अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन दोनों पर काजल लगाऊंगी, जिससे आंखें थोड़ी बड़ी दिखती हैं और सुंदर दिखती हैं और फुलर दिखती हैं। जो आई लैशेज हैं वो फुलर और बिगर दिखती हैं। तो अभी मैं दोनों साइड पे फटाफट से काजल अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आपका काजल हल्का हल्का फैल रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसे ब्लॉक करना है लिक्विड आईलाइनर से या फिर स्केच आईलाइनर से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो फटाफट से दोनों साइड पे आप काजल लगाएं, और यहाँ पर जब काजल लग जाए तो यहाँ पर मैं पहले आपको स्केच आईलाइनर से थिक काजल लगाना सिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल कम कम स्टॉक में मैं ले रही हूँ और आसानी से लग रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट जाएंगे आपके थिक काजल लगाने के लिए। अब एक साइड मैंने स्केच आईलाइनर यूज़ किया है और दूसरी साइड पे मैं लिक्विड आईलाइनर यूज़ करूँगी। इससे मैंने नीचे लोअर लैश लाइन पर लगाया है जिससे कि काजल ब्लॉक हो गया है, और ये लग गया मेरा थिक काजल। कैसा लग रहा है? अब मैं दूसरी साइड आपको लिक्विड आईलाइनर से लगाकर दिखाती हूँ। लिक्विड आईलाइनर से काजल ब्लॉक करने के लिए आपको पहले ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लेना है, जितना भी एक्स्ट्रा है उसे निकाल देना है। उसके बाद बिल्कुल कम कम स्टॉक में आपको लेना है ताकि लिक्विड आईलाइनर फैले नहीं, और कम कम स्टॉक में लगा के आपको पूरा का पूरा आईलाइनर क्रिएट करना है नीचे वाले साइड पर। और ये मेरा आईलाइनर लगकर एकदम रेडी है, दोनों साइड बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। और अब आपको लिक्विड आईलाइनर के बाद आपको मस्कारा लगाना कंपलसरी है, क्योंकि लिक्विड आईलाइनर से नीचे लैश लाइन के ऊपर लिक्विड आईलाइनर लग जाता है जो बाद में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो अपने आईज़ को और ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए मस्कारा ज़रूर लगाएं। मेरा थिक काजल, आई होप आपको ये वीडियो और ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, आपको फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना है। तो ऐसी और बिगिनर सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खेलते कूदते रहें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।